आज कुछ गाना नहीं, आज लाइफ टाइम हाई बना है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, लाइफ टाइम हाई मंथली प्रॉफिट है। तो इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत होगी इस डांस के साथ। और फटाफट अब कमेंट में लिख डालिए कि आपका ये महीना कैसा रहा, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके द डॉक्टर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज की एक्सपायरी स्पेशल है। मेरे करियर में मैं आज पहली ऐसी एक्सपायरी देख रहा हूँ जब निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग दी। ऐसा मौका मुझे पहले मिला नहीं, जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो एक्सपायरी पे जी। मतलब सभी कुछ बढ़िया था भाई साहब, निफ्टी फिफ्टी ने तो लगा दी लंका आज। और आप सभी को निफ्टी फिफ्टी के एक नए लाइफ टाइम हाई की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने आज डांस भी अपना शेयर किया था, इस वीडियो में भी देखता हूँ डाल सकूँगा तो डाल दूँगा। तो और इसके साथ साथ आप सभी को लाइफ टाइम हाई मंथली प्रॉफिट बनाने की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे दिन जो होते हैं मस्त होते हैं भाई साहब। आज जो है मस्ती का मौसम छाया हुआ है, चारों तरफ ठंडक बह रही है, मौसम भी मतवाला हो गया है और प्रॉफिट इतने हो रहे हैं मैं क्या बताऊं। मतलब मन जो है बाग बाग हो रहा है। और ये सारा श्रेय पता किसको जाता है? प्रभु को जाता है। प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की क्या बोलते हैं लीला से, प्रभु की दया से, प्रभु की अब क्या बोलूं, प्रभु की सब कुछ प्रभु की वजह से और आपकी शुभकामनाओं से हुआ है। और मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मुनाफा FNO का टोटल का मंथली सबसे बड़ा मुनाफा इस मंथ कमाया है, लगभग 60 पैसे का। तो क्या बोलें यार, बस खुशी के मारे दिल जो है बिल्कुल गुब्बारा होता जा रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, या दूसरा आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, मैंने देखा है निफ्टी को आज उड़ते हुए। आज जैसे निफ्टी देख रहा भाई सब कमाल हो गया। मैं कल कह रहा था निफ्टी 24,300 भी काट सकता है, हालांकि 24,300 नहीं थे, 24,100 के लपेटे में तो निफ्टी आ ही गया। तो भाई साहब आज जो है ना, जितनी मतलब तारीफ की जाए वो निफ्टी फिफ्टी की कम है। हालांकि पोर्टफोलियो तो मेरा अच्छा भागा है आज, मैं ही नहीं कहूँगा नहीं भागा है, 0.85% पोर्टफोलियो मेरा वाला बड़ा हुआ है, मैडम का पता नहीं उसमें कितना है। और मतलब मस्ती का ना मौसम तो बना हुआ है और निफ्टी ने भी आज मस्त हाई बना दिया, 24,087 के लपेटेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं, बाज़ार गिरेगा या चढ़ेगा? फटाफट कमेंट में लिख डालिए। अब मैं अगर आज आपको लेके चलूँ भाई साहब चार्ट पे, देखिए आप चार्ट पे
कल तक थे थ्री आई डिडंट फाइंड अ ग्रुप और डिवाइस नेम टीवी. लो भैया ये अपनी जो है एलेक्सा अलग से शुरू हो जाती है. कल भाई साहब तीन वाइट सोल्जर थे, आज चौथा वाइट सोल्जर भी आ गया. जबरदस्त ये जो लाल 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 कैंडले देख देख के आपकी आंखें दुखी हो गई थी, आज कमाल की हरी कैंडल बनी है और सुपर ट्रेंड भी बुलिश बन चुका है, ग्रीन आ गया ना. तो आज की कैंडल को क्या बोलूं, कैंडल एक्सट्रीमली बुलिश, लोकेशन एक्सट्रीमली बुलिश, मूविंग एवरेज पे एक्सट्रीमली बुलिश, सुपर ट्रेंड पे बुलिश, एमएससीडी बुलिश, 70 ही आ गया, एमएससीडी तो पॉजिटिव बन गया, एसएससी हिस्टोग्राम आरएसआई 70 आ गया बुलिश. यानी टेक्निकल पैरामीटर पे एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो बाज़ार को मंदा दिखा रहा हो. तो बाज़ार इस वक्त तो फुल गर्म है, जैसे तत्ता तवा होता है ना भाई साहब, उस तरह से गर्म है. तो अब ये गर्मी में 24,500 जाएगा 25 जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है. पर जैसे जैसे बाज़ार चढ़ता है, अब चढ़ गया खूब चार दिन में, अब मुझे डर भी लग रहा है. आपको तो पता है मैं डरता भी बहुत हूँ. अब मुझे लग रहा है गिर ना जाए, तो मैं अपना गिरावट की भी तैयारी कर रहा हूँ. क्योंकि यार इतनी तेज़ी दिखा दी है बाज़ार ने, अगर गिर गया तो भाई सब दिक्कत तो है. पर अब बड़ी भारी कंसोलिडेशन का बाज़ार चला है. तो अगर 25,000 काट दे इस महीने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. हालांकि ऐसे बोलते हुए कि 25,000 काट दे इस महीने, लगता है साला शेख चिल्ली है हवा में हो गया. लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई साहब, कार्ड देते कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. मैं तुम्हें आज पैरामीटर दिखाता हूँ अंतर्राष्ट्रीय. अब यहाँ बस एक चिंता है, मार्केट मूड जो है अब बड़े दिनों के बाद एक्सट्रीम ग्रीड का आ गया. ये वाला आपको इतना हैवी, इससे पिछला जो हैवी था वो 5 जनवरी को देखने को मिला था एक्सट्रीम ग्रीड. अब 27 जून को यानी लगभग 6 महीने बाद आया. इससे पहले 2023 में देखने को मिला था 90 के आसपास. अब ये एक्सट्रीम ग्रीड कहाँ तक जाता है देखते हैं. तो ग्रीड एक्सट्रीम हो जाता है चिंता शुरू हो जाती है. आज ये तो फेवरेबल हल्का सा गिरा है, ये बड़ा है. क्रूड एक चिंता पैदा कर रहा है, क्रूड महंगा हो जाएगा ना फिर दिक्कत आ जाएगी. तो क्रूड कह रहे हैं लोग 85 से 100 के बीच जा सकता है. रुपया थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये भी थोड़ा सा ठीक हुआ है. यानी सारे फैक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं. और लेकिन क्रूड में चिंता पैदा हो रही है, क्रूड चिंता का विषय. और अब देखोगे ना एक ऐसा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, समा बंधाने वाला हूँ, ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप कहेंगे ये क्या हो गया. FIs तो पागल हो गए, पागल सांड होता है ना उसकी तरह हो गए. देखो कैश सेगमेंट में 7700 करोड़ के आसपास ही खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर में 2400 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 8200 करोड़ की, कुल मिला के 20,156 की बड़ी खरीदारी. और DIs ने भी आज बड़ा माल काटा यार, खरीदा भी और काटा भी. कुल मिला के DIs ने 3,605 करोड़ का माल काटा, उसके बावजूद भी FIs के चलते 4,052 करोड़ की बड़ी खरीदारी सामने आई है. देखने वाला माहौल है आज. तो भैया अब क्या बोले. अब यहां पर देखो एक चिंता का विषय है कि अब इंडेक्स में जो FIs की लॉन्ग है ना बहुत ज्यादा हो गई है, 81. ये वाली लॉन्ग पहले कब देखने को मिली है, या मेरे पास तो कोई लेवल ही नहीं है. नहीं 81 पहले कभी नहीं है आपने. हाँ, तो सर, नहीं आया कभी भी. 81 अच्छे से चेक किया था हैं? हाँ सर, पहले के हाईस दिखा रखे हैं. नहीं 81 आज का है. 81 पर जो एक बीच की फिगर थी, सेकंड फिगर जो होती है बहुत बहुत छोटी फिगर थी, वजह से ये इतना बड़ा. और स्टॉक में भी लॉन्ग काफी बड़ी होगी, 58. दो तीन बार चेक कर लिए मैंने, मुझे 2-3 बार चेक कर लिए मैंने. मुझे लगता है वो शॉर्ट खत्म कर दी ना उन्होंने, लॉन्ग ही लॉन्ग पे आ गई है. पर अब ये चिंता का विषय है. अब तो वही कहना पड़ेगा, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, इसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर. अब डर लग रहा है इसको देख के. तो देखते हैं कल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होती है. एक और बात, जैसे बहुत ज़्यादा रन बना लो ना,
उसको अगले मैच में भी ढीला हो जाता है यार, इतने रन फिर बनाने पड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल से लग लगता है टारगेट। तो प्रभु की लीला है, प्रभु का आशीर्वाद है, तो चल भी जाएगा। आज देखो निफ्टी बैंक मरा पड़ा था थोड़ा, निफ्टी स्मॉल कैप भी गिरा हुआ था, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी 50 दोनों गिरे हुए थे, बाकी सब इंडेक्स तेज थे। और सबसे ज़्यादा तेज़ी आज आपके लार्ज कैप में थी, इसलिए आपने देखा होगा बहुतों का इंडेक्स गिर भी गया होगा, जिनका ज़्यादा पैसा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में था या जिनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है स्मॉल कैप में। ओवरऑल मार्केट में ब्रेड कुछ खास नहीं थी 751 शेयर चढ़े हुए थे, 1570 के लपेटे में शेयर गिरे हुए थे, यानी यार 1:2 से भी खराब था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। यानी भैया शेयरों में आज वो पकड़ दी थी, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो तो लाल में है, लाल में है, लाल में है, लाल में, इसलिए लाल में। इंडिया सीमेंट भागा हुआ था, ओए मन्नापुरम काट दिया जी, काट दिया मन्नापुरम ने, 200 का लेवल काट दिया। कहने वाले तो कह रहे हैं अब की बार ये 300 जाएगा, कह रहे हैं, कहने में कौन सा पैसे लगते। कहता जी पहले भी 200 से पार गया था तो रुक गया था, अब नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो फिर कम से कम उससे 50% ज़्यादा बनना चाहिए। हालांकि 300 तो बड़ा मुश्किल सा टारगेट लगता है मुझे पर्सनली, पर 250 तक लगता है ये मतलब कमाल दिखा सकता है। पिछली बार का पीक जो था इसका 220-22 का था, ऐसा मुझे याद है, लास्ट टाइम में 220 के लपेटे में फंसा था इसमें, तो फिर साला गिरता ही चला गया। देखूं मन्नापुरम बड़े दिनों बाद चला है, हाँ वही मैंने कहा ना 215 के आसपास था, 11-12 देख लेते हैं। बड़े दिनों के बाद रिडार में आया ना तो देखना बनता है यार। देखो बात यह है जब इतने दिन बाद, हाँ बताता हूँ, पिछला पीक आज ही बनाया इसने, फिर पिछला पीक था इसका 224 का, अब की बार इसने 211 पहुंचा, तो पिछला पीक इसका था 2021 में 224 का। तो अब उसके हिसाब से जैसे लोग कह रहे हैं कि भैया अब एक नया पीक बनाएगा, अब कंपनी मजबूत हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। अब देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, या सीमेंट सेक्टर में शेयर नहीं मेरे पास, जब भी मैं सीमेंट को देखता हूँ तो दिल उदास हो जाता है। LTI माइंड्री यार दो लॉटी है, चलो ठीक है, इंडिया मन्नापुरम काफ़ी है, इंडिया सीमेंट नहीं है, सीमेंट सेक्टर मेरे पास है नहीं माल। चंबल फर्टिलाइज़र की लग गई आज, अबे चंबल को क्या हुआ, चंबल तो यार ख़राब हो गया ज़्यादा साला, फर्टिलाइज़र में मेरे पास नहीं है। चलो अब इसकी पुट्टे इतना मनी हो जाएंगी, अब आ जाएगा ये PNB इंडियन होटल AU स्मॉल फाइनेंस, ये सब गिरे पड़े थे। अच्छा अब निफ्टी 50 में 37 बड़े हुए थे, 13 गिरे हुए थे। 23,868 पे कल बंद हुआ, आज हल्का सा ऊपर 23,881 में खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, स्टेबल, लास्ट में गोली हो गया। शुरू में जो बॉटम बनाया था इसने 23,805 का, कल की क्लोजिंग से नीचे का, और फिर पीक बनाया 24,087 का, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसी के आसपास 24,044 पे, लाइफ टाइम हाई पर 125 पॉइंट बढ़कर 25% के करीब की तेज़ी के साथ गाता गुनगुनाता नाचता हुआ चला गया। अल्ट्राटेक गोली, LTI लैब गोली, ग्रासिम गोली, NTPC गोली, विप्रो गोली, रेड्डी लैब गोली, JSW स्टील गोली, गोली गोली सारी गोली गिरने में, श्रीराम फाइनेंस, लार्सन, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, डिवीज लैब, कोल इंडिया और सन फार्मा, इनकी बत्ती लगी हुई थी। अरे इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। अभी जो है 24,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा और कॉल राइटिंग भी अच्छी है, यहीं पर मैक्सिमम पेन है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग 25,000 के लेवल पे, कॉल राइटर सावधान है, 24,000 के नीचे काफ़ी मंदी मात्रा में है, और पुट राइटर्स आगे बढ़ के अपनी फौजें ले जाने के लिए तैयारी पे लगे हुए हैं। तो भैया अब देखते हैं कल पता चलेगा। मंथली वाले में भी अगर आप देखोगे तो 23,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, 24,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन भी 24,000 पर है। PCR वीकली वाला तो गर्म है, ओवर बॉट ही कह सकते हो आप इसे, और ये भी चिंता कर रहा है बेटा, पर मंथली वाला ओवर सोल्ड है, तो यानी अभी मंथ में तो काफ़ी गुंजाइश है पर वीक खतरनाक है। निफ्टी बैंक में 4 बड़े हुए थे, 8 गिरे हुए थे, 52,870 पे बंद हुआ, 52,980 पे खुला, चढ़ते ही पीक बनाया, बॉटम भी शुरू में बनाया, पीक भी, हालांकि बाद में बॉटम रिविजिट करने की कोशिश करी। शुरू में बॉटम 52,640 के रिपीट का था, शुरू में ही पीक 53,180 का था जो आज का लाइफ टाइम आई था, फिर टिक नहीं पाया, गिर गया, फिर ऊपर नीचे करता अल्टीमेटली 52,811 कल की क्लोजिंग के नीचे
60 पॉइंट के लपेटे में गिरकर 0.11% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटाकर चला गया। कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस और आईसीआईसी बैंक मात्र हरियाली में थे, बहुत तेज हरियाली में थी। गिरने वालों में पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक बहुत भारी मात्रा से गिरे हुए थे। अब इसकी कैंडल कल की कैंडल के पैरेलल सी बनी है पर लाल है। कोई चिंता का विषय नहीं है, सभी पैरामीटर्स में बाजार मजबूत है, बस एमएसडी हल्का लाल हुआ है, कल से गिरा है, और आरएसआई भी मजबूत है। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट में कोई कमजोरी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, अनलेस कोई पंगा बड़ा कांड ना हो जाए। अब मैं एक्सपायरी की बात करूं तो एक्सपायरी आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं, इस बार जो वीकली एक्सपायरी है तो 53,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है और यहीं पे पुट रेटिंग है, यहीं पे मैक्सिमम पेन है, यानी 53,000 का ऐसा लेवल है जिस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को घूर रहे हैं, और यहाँ पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से ज़्यादा है, यानी 53,000 एक मेजर हर्डल है जिसको पार करना जरूरी है। मंथ वीकली पीसीआर हल्का है तो इसलिए 53,000 कट सकता है, मंथली पीसीआर थोड़ा सा टाइट है। अब बात करें प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से, 8 पैसे से ऊपर का मुनाफा कमाया मैंने आज, 5 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 2 फ्यूचर बाय किए, 71 पोजिशनें मैंने क्लोज की हैं जो मेरी एक्सपायर हो गई, 4 एग्रेसिव पुट, 1 एग्रेसिव सेल, 7 सेफ पुट, 3 सेफ कॉल आज मैंने करी। अब ये सब एक्सपायर्ड है, अशोक लेलैंड एक्सपायर हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, HDFC AMC के 4 लॉट हुए जिसमें 3 पुट्टे थी 1 कॉल था, ITC का पुट एक्सपायर हुई, जुबलियन फूड की पुट एक्सपायर हुई, LTT का पुट एक्सपायर हुआ, M&M की पुट एक्सपायर हुई, निफ्टी के ये लॉटों में नुकसान हुआ है। निफ्टी की मैंने वो बजट के वक्त ये कॉले पुट्टे बच गई थी जो स्क्वेयर ऑफ नहीं की थी, उसमें मुझे एक बड़ा घाटा हुआ। इसके अलावा निफ्टी की उसी वक्त पुट्टे उट्टे जो हमने खरीदी थी सब बेकार हो गई और उसमें मिला के नुकसान हुआ। हालांकि आप देखेंगे बड़ा नुकसान है, 1.35 का यहाँ है, 55 का यहाँ है, 2 लाख के आसपास का नुकसान है, तब प्रॉफिट भी इतना ही कमा लिया, 2.5-3 लाख का, तो नेट में तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। PVR गया, RBL बैंक गया, SBI कार्ड गया, सब एक्सपायर हो गया। उसके बाद टाटा केमिकल की 2 कॉल एक्सपायर हो गई, टाटा कॉम की 2 कॉल एक्सपायर हो गई, टाटा मोटर की कॉल एक्सपायर हो गई, टाटा पावर की पुट एक्सपायर हो गई, अदानी एंटरप्राइज की पुट एक्सपायर हो गई, अदानी पोर्ट की पुट एक्सपायर हो गई, अदानी पोर्ट की एक और पुट हुई, अशोक लेलैंड की पुट हुई, एशियन पेंट की पुट हुई, मतलब बहुत चीज़ें कटी, एशियन पेंट की एक और पुट हुई, बेल की हुई, भारती की हुई, कोल इंडिया की हुई, HAL की हुई, मतलब HDFC बैंक की हुई, HDFC लाइफ की हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर की हुई, ICICI बैंक की हुई, आइडिया की हुई। आइडिया में प्रॉफिट कम दिखा रहा है क्योंकि 5 पैसे की वैल्यू दिखा रहा है, अगर आप इसको 5 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 रुपये हो रहा है प्रॉफिट। मैडम ने कह दी मैंने 5 पैसे कंसिडर नहीं किया, बाकी मैंने 150 रुपये का ही होता है, बस ये आइडिया की लॉट ही 2,40,000 का है मेरा, मैंने 3 लॉट बेचे थे तो 5 पैसे से कर ली तो 48,000 का प्रॉफिट आता है, इसलिए 36,000 दिखा रहा है, इसमें हुआ 48 है, यही छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं। IGL गया, इन्फोसिस गया, IOC गया, ITC गया, LTIM गया, सब इनकी एक्सपायरी होगी। M&M की हुई, M&M जून की हुई, मतलब 1900-2000, मारुति की हो गई, नेस्ले की हो गई, ONGC की हो गई। उसके बाद SBI की 2 लॉट हो गए एक्सपायर, SRF के हो गए 3 लॉट एक्सपायर, 3 लेवल लॉट तो बहुत सारे हैं। फिर टाटा कॉम की हो गई पुट्टे, टाटा कंज्यूमर की हो गई पुट्टे, टाटा पावर की हो गई पुट्टे, टाटा पावर की हो गई पुट्टे, टाटा पावर की 3 तरह की पुट्टे हुई हैं, बड़ा काफ़ी अच्छा होना, एक और है 4 तरह की, नहीं ये तो 2 बार आ गया, सॉरी ये 2 बार आ गया है ना, ये वाला 2 बार आ गया कार्ड, 2 बार आ गया। फिर ट्रेंट की हुई, वेदांता की हुई, वोल्टास की हुई, ये तो हो गई अपने आप एक्सपायर। फिर मैंने जो स्क्वेयर ऑफ की, टाटा मोटर की मैंने एक लॉट था 1425 का जिसको स्क्वेयर ऑफ किया, इसमें नुकसान हुआ, हालांकि मैंने इसमें काउंटर स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया लगाई, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। फिर HCL टेक की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया था, MGL को स्क्वेयर ऑफ किया था, निफ्टी की कॉल अब लास्ट में स्क्वेयर ऑफ की थी, टाटा केमिकल की कॉल स्क्वेयर ऑफ की थी, टाटा केमिकल के 3 लॉट थे फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए 1600, टाटा मोटर की कॉल स्क्वेयर ऑफ की थी, ये 4 लॉट थे 550 वाले, तो ये सारा का सारा आज ये खेला हुआ। फिर HCL टेक का मेरे पास 3 लॉट थे, 1 लॉट स्क्वेयर ऑफ कर दिया, 2 बच गए, तो इसका 1/3 वो भी लगा लो, ठीक है ना। तो ये थी भाई साहब आज की सारी कहानी, जिसके चलते 8 पैसे से ऊपर का बड़ा मुनाफा हुआ, ढेरों चीज़ें एक्सपायर हुई, और मैं फिर बोलूँगा इसमें कोई मेरी करामात नहीं है, कोई मेरी कितना मेहनत नहीं है,
मेहनत तो आदमी हर कोई करता है, सारा आशीर्वाद प्रभु का है, सारी कृपा प्रभु की है, सारी शुभकामनाएँ आपकी है, सारी दया आपकी है। प्रभु जितने कृपालु हैं मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी वजह से ये लाभ। इसलिए मैंने नियम बनाया कि कभी किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। बड़े से बड़ा आदमी पूछ ले कि सर कोई चीज़ बता दो खरीदने, कोई चीज़ बेच दो, मैं कहता तो भैया ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिखाना है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बाय सेल करिए, मुझसे ना पूछिए, और सीखते वक्त ना ही करिए तो अच्छा है। सीखते वक्त आधा अधूरा सीख के आप करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए आप पहले सीखें, अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानें, रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट सीखें। जब निपुण हो जाए तब अपने अपने हिसाब से, ना किसी का ट्रेड कॉपी करें, ना किसी के कहे की सुने, अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी पढ़ाई देखें, अपनी रिसर्च देखें। अगर नहीं आता समझ कुछ तो फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। सीखने वाला हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सीखना चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर। मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077, वो आपकी मदद करेगी। और कोई आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम को कॉल करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनें।